दौसा जिले के गांव रेटा में आंगनवाड़ी केंद्र नंबर 3 की कार्यकर्ता के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कार्यकर्ता रामचरणी मीणा ने आरोप लगाया कि महिला सुपरवाइजर निर्मला गौतम ने समूह के नाम से बैंक खाता खुलवाने का दबाव बनाया और दौसा में खाता खुलवाने के लिए बुला लिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सचिव व अध्यक्ष को लेकर सुपरवाइजर द्वारा बताए गए इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा दौसा में पहुंच गई, जहां कमलेश कुमार नामक युवक को खाता खुलवाने के लिए भेज दिया गया। खाता खुलवाने के बाद न तो बैंक पासबुक कार्यकर्ताओं को दी गई और न ही चेकबुक। कार्यकर्ताओं ने बताया कि खाली चेकबुक पर महिला सुपरवाइजर के कहने पर कमलेश कुमार नाम के युवक ने अध्यक्ष व सचिव के हस्ताक्षर करवा लिए और चेकबुक लेकर चला गया। हमने खाता खुलवा लिया, हमारा अध्यक्ष सचिव को लेके खाता खुलवा लिया, फिर उन्होंने खाली चेक पे साइन करवा के वो करवा रहे थे। तब मैं जब पहुंची उसके पास, पहले तो मैडम ने डांट लिया, पता नहीं था ऐसे होगा। निर्मला गौतम, खाली चेक पे साइन नहीं होना चाहिए, चेक तो हमको दीजिए पासबुक के बाद में, हमारा अध्यक्ष सचिव लेगा चेक, इस पर हमारे होगा झगड़ा। मैडम घर गई, वह भी लेके भाग गया चेक, खाली चेक को लेके भाग गया। नहीं, साइन मोहर लगा दी हमारे समूह की और अध्यक्ष सचिव ने साइन कर दिया और खाली चेक पर साइन कर, चेक पर करीब 23-24 पन्नान पर साइन करा लिया, कम से कम 2 वर्ष का साइन करवा लिया उन्होंने। फिर मेरे सका आ गया, भाई ये लोन तो नहीं उठाएंगे, इसलिए मैंने वो उसकी जब निकी हुआ तो मैडम से बात कर ली। मैडम से बात करी तो मैडम ने कहा तेरा खाता में बैलेंस नहीं है, तेरे मेरे विश्वास नहीं। भाई विश्वास तो है, पर वो चेक बुक लेने वाला कौन है, उसको भेज। हमारे ये मैडम आई है जो इस तरह से खाते खुलवा रही है समूह के, और हर कार्यकर्ता पे दबाव डाल रही है कि SSG के खाते आपको दौसा खुलवाने हैं। जो हमें पता चला कि हमारे अभी 2-3 दिन में रेटा थर्ड में, दुब्बी सेक्टर रेटा थर्ड में एक मीणा की थी, रामचरणी मीणा, उसको दबाव डालकर दौसा बुला लिया और दौसा बुला के उसका खाता खुलवा दिया और चेकबुक पे साइन करवा लिया उसने, फर्जी खाली चेकबुक पे साइन करवाए और साइन करवा के और वो घर ले गई चेकबुक को। और फिर वो कह रही है कि आपका तो कोई बैलेंस नहीं है आपके, उसने झगड़ा भी किया कार्यकर्ता ने, लेकिन उसकी मानी नहीं, उसने कहा कि मुझे चेकबुक दो, वो बोली कि चेकबुक नहीं दूंगी, चेकबुक तो मैंने फाड़ दी है। चेकबुक फाड़ने को उसने कहा कि नहीं मुझे तो मेरी चेकबुक चाहिए और चेकबुक लेके ही जाऊंगी, तुमने मेरे को दबाव डाल के चेकबुक खाता खुलवाया हो और तू कुछ भी कर सकती है, लोन उठा सकती है, कुछ भी कर सकती है। उसने कहा कि मैं चेकबुक और पासबुक बाद में दे दूंगी, कि जीरो बैलेंस पे खाता खुला है तो चेकबुक तभी मिलेगी, तो जीरो बैलेंस पे खाता खुल गया तो चेकबुक तभी तो मिली ना।